12 से 16 नवंबर तक चलने वाले कालिंजर महोत्सव का हुआ खजुराहो से आगाज। डीएम हीरा लाल ने कहा, खजुराहो से कालिंजर का कनेक्ट होना जरूरी। सागर रहली क्षेत्र की ग्राम पंचायत मजगुआ में भ्रष्टाचार चरम पर। सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में स्कूली निर्धन छात्र छात्राओं के लिए ड्रेस और जूते मोजे का वितरण किया गया, खिले छात्र छात्राओं के चेहरे। पन्ना में कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के महामहिम राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से पुरस्कार प्राप्त कर मुख्यालय वापस आने पर कलेक्ट्रेट परिवार के साथ जिले भर के अधिकारी व कर्मचारियों द्वारा बधाई दी गई। पन्ना के पवई क्षेत्र में वन भूमि तथा राजस्व की भूमि पर चल रही पत्थर पार्टियां की अवैध खदानें, अधिकारी नहीं कर रहे कार्रवाई। पन्ना में ग्राम पंचायत मढ़िया कला के सचिव ने किया व्यापक फर्जीवाड़ा, बिना कार्य के हड़प ली शासन की राशि, जनपद पंचायत सीईओ ने दिया 29 लाख का नोटिस। ललितपुर में जिला उद्योग व्यापार मंडल ने बिजली की बढ़ी हुई दरों के विरोध में मुख्यमंत्री के नाम संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को दिया। ललितपुर में डीएम ने कहा, पर्यावरण को सुरक्षित रखने में अपनी भूमिका निभाए लोग, वन्य जीव सप्ताह को लेकर जागरूकता कार्यक्रम हुआ संपन्न। चित्रकूट पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार झा ने आगामी विधानसभा उपचुनाव के दृष्टिगत थाना मऊ अंतर्गत ग्राम खंडेहा, खपटिया तथा थाना रायपुरा के पोलिंग बूथों का निरीक्षण किया। चित्रकूट कोतवाली प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह के मार्गदर्शन में एसआई पुष्पराज सिंह ने टीम के साथ आरोपी को पिस्टल, 4 कारतूस तथा चोरी की मोटरसाइकिल के साथ गिरफ्तार किया। चित्रकूट विधानसभा उपचुनाव पर निगरानी रखने के लिए भारत निर्वाचन आयोग से तैनात किए गए व्यय प्रेक्षक ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। जालौन में सड़क सुरक्षा समिति की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में हुई, इसमें एनएचआईए के अधिकारियों की अनुपस्थिति पर डीएम ने नाराजगी प्रकट की। जालौन में एसडीएम को दशहरा व रामलीला कमेटी के सदस्यों ने सौंपा ज्ञापन। झांसी में बारिश से परेशान किसानों को शीघ्र मिलेगी राहत, प्रदेश के मुख्य सचिव ने दिया वादा। झांसी में ग्राम पंचायत विकास योजना अंतर्गत जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में कमेटी के सभी जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। झांसी में 20 सड़क पर अन्ना पशुओं के बीच हुआ जबरदस्त युद्ध, कई गाड़ियां आई चपेट में। महोबा में इमरजेंसी वार्ड के सामने खड़े वाहनों से मरीजों को लाने वाले एम्बुलेंस कर्मी हुए परेशान। बीती रात महोबा के खनगा बाजार में स्थित पहनावा गारमेंट्स में आग बुझाने में घायल हुए कोतवाली प्रभारी विपिन सिंह। किसान की हुई निर्मम हत्या, परिजनों ने साथी पर हत्या करने की जताई आशंका, मऊ पुलिस ने आरोपी साथी को हिरासत में ले लिया है।